हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शाह फैशन वैली। इफ यू आर न्यू हेयर प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब। आज के वीडियो में हम एक छोटा सा काम करने वाले हैं। जैसे ये जो रेडीमेड लहंगा आता है इसकी ये वाली चीज, इसको आप कैसे फोल्ड करेंगे और कैसे इसकी लंबाई कम करेंगे। जो रेडीमेड लहंगा आता है वो आता है 42 इंच का, पर जो हमें तैयार लेंथ चाहिए वो चाहिए 38। तो 38 करने के लिए कैसे इस बॉर्डर को खोलें, नीचे लगाएं वो बताऊंगी। साथ में ये जो ओपन साइड होती है इसको आप कैसे बंद करेंगे अपने आप घर पर, मैं वो बताऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लहंगा खोला तो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आता है, ऐसा ही लहंगा है और इधर से साइड इसकी ओपन है। रेडी लेंथ जो हमें चाहिए 38 चाहिए और जो ये है 42 है। तो इसमें मैं काम ये करूँगी, ये बॉर्डर नीचे करना है और इसकी लंबाई 2 इंच कम होगी। इसके लिए तो सबसे पहले मैंने चीज ये करी है कि जो लहंगा है उसको ऐसे बिछा लिया है। सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप जो बेस ये जो भी हो आप इसको बड़ा रखें या जमीन पर बिछाएं तो लहंगा सीधा बैठेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये नेक पे वर्क है तो थोड़ा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें जो लहंगा रेडीमेड आया है उसकी वेस्ट है 21 इसकी वेस्ट है और मुझे रेडी जो वेस्ट है वो 30 चाहिए, प्लस तो मतलब 15, ये डबल है तो 15 और 15 30, यहाँ तो ये हुक लग जाएगा, प्लस 2 इंच का हम लूज करेंगे, लहंगा ढीला बनता है, हल्की सी चुन चल जाएगी, तो 17 इतना 17 हमारे को चाहिए। 17 से 1 2 3 4 मतलब लगभग एक कली हमें कम करनी है। तो ऐसा नहीं है मैं कली काट के निकाल दूंगी, मैं क्या करूंगी इस साइड से 2-2 इंच, मतलब 2 इंच यहाँ से चला जाएगा, 2 इंच पीछे से चला जाएगा और जब मैं इसको पलटाऊंगी तो जो ये कली वाला जॉइंट है ना, जो अस्तर का जॉइंट है, यहाँ से मैं इसमें 1 इंच फिट कर दूंगी, यहाँ से 1 इंच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा खासा आप इसको कम कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग बढ़ाओ कम कर सकते हैं। और इसमें अब मैं करने के वाली हूँ, सबसे पहले मैं बॉर्डर हटाऊंगी क्योंकि 42 इसकी लेंथ है, जो मुझे चाहिए 38। तो मैं इसको सिर्फ बॉर्डर नीचे ही करने वाली हूँ, जिसके लिए पहले मैं इसको कट करके बॉर्डर अलग कर रही हूँ, यहाँ पर सिलाई सिलाई धागे ऐसे मैं पूरी लेस अलग कर लूंगी, लेस को मैं ऊपर से बैठाऊंगी जो मेरी रेडी वेस्ट होगी उस पर, ऐसे करके थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा क्योंकि नेट है, फट सकता है। और दूसरी चीज, जो लाइनिंग है वो भी क्रेप की है, इसमें बहुत आराम से काम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो पीछे है ना वो उसको निकाल के रखा है। तो ऐसे करके मैंने जो निकाल के रखा है उसमें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, कर क्या रही हूँ मैं। तो ऐसे ही निकल गया बॉर्डर, यहाँ से अलग हो गया है ये बॉर्डर, जो बाद में ऊपर से लगाऊंगी, यहाँ ये सीधा कर लिया मैंने, अब यहाँ ऐसे और ये आ जाएगा 38। यहाँ बस एक सिलाई लगानी है और इसके ऊपर ये बॉर्डर सेट करने वाली हूँ मैं। इस लहंगे में मैं चेन नहीं लगा रही हूँ और मैं हुक वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, सिर्फ यहाँ से जॉइंट होगा और इसको सिल लूंगी। मैं ये सारी चीजें करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इसी के साथ हमारे जो लहंगे की ऑल्टरेशन है वो कंप्लीट होती है। लहंगा रेडी लेंथ 38 आ रही है और वेस्ट भी मैं आपको अगर नाप के दिखाना चाहूँ तो ये 17.5 आ रही है, 17.5 ये वेस्ट आ रही है। और जो मैंने कहा था, मैंने यहाँ ये चून लगाई है, ये कपड़ा अंदर चला गया है, ऊपर से लेस आई है और साइड से भी मैंने कुछ चेन वगैरह नहीं लगाई है, सिर्फ यहाँ से सिलाई लगाई है और नीचे से एक सिलाई लगाई है। तो इसी के साथ जो हमारा लहंगा है वो बनके रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।